फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ न्यूज मोमेंट की तरफ से, और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज मोमेंट हिंदी में। तो चलते हैं खबरों की तरफ। राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दक्षिण कोलकाता और भवानीपुर से नियमित जीत की रिकॉर्ड हासिल की है। नंदीग्राम में अपनी हार से अभी भी होशियार रहने वाली ममता बनर्जी ने आज दक्षिण कोलकाता भवानीपुर में अपने नियमित सीट से रिकॉर्ड जीत हासिल की। मुख्यमंत्री जिन्हें सरकार का नेतृत्व जारी रखने के लिए 6 महीने के भीतर एक विधानसभा सीट जीतने की जरूरत थी, अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा की प्रियंका टिबरेवाल पर 58,832 मतों की भारी अंतर से जीत हासिल की है। सुश्री बनर्जी ने अपने पारंपरिक जीत के संकेत के बयान 3 उंगलियों को चमकाते हुए मां माटी मानुष के अपने चुनावी नारे का प्रतिनिधित्व करते हुए परिमाणों की सराहना की है। आखिरी दौरे की मतगणना समाप्त होने के बाद उन्होंने मीडिया से कहा, सबसे ज्यादा दिल को छू लेने वाली बात तो यह है कि मैं निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी वार्ड से नहीं हारी हूँ, तृणमूल प्रमुख ने कहा है। पिछली बार मैं कुछ वार्डों से पिछड़ी गई थी, 2011 और 2016 दोनों में भवानीपुर से चुनाव लड़ा था। विधानसभा में उनकी बड़ी हार नंदीग्राम में थी, वह स्थान जिसने उन्हें 2011 में सत्ता में पहुंचा दिया था जब उन्हें मिश्र अधिकारी के खिलाफ वहां से चुनाव लड़ा। हार हुई 2000 से कम वोटों के अंतर से। एक चुनाव में बड़ा झटका था जहां तृणमूल कांग्रेस ने भारी जीत हासिल की, जिसमें 200 के स्थान पर 80 से कम सीटों के भीतर भाजपा थी। इसके लिए इच्छुक सुश्री बनर्जी ने बाद में नंदीग्राम की हार के मामले को अदालत में ले गया, जिसमें कहा गया था कि श्री अधिकारी के चुनाव को रिश्वत, घृणा और दुश्मनी को बढ़ावा देने और धर्म के आधार पर वोट मांगने सहित भ्रष्ट प्रथाओं के आधार पर शून्य घोषित किया जाना चाहिए। आज उन्हें नंदीग्राम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि अप्रैल के चुनाव में हमारे खिलाफ काफी साजिशें हुई, हम आभारी हैं कि हम जीत गए हैं। एंजल विद्या मंदिर, अ श्योर वे टू सक्सेस। वी प्रोवाइड क्लास 8 to 10, क्लास 11 and 12, ग्रेजुएशन ऑनर्स एंड प्रोग्राम। वी ऑल्सो प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लास। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट 9932864067 और 8116183079। भवानीपुर सीट पर जीत की खुशी में कार्यकर्ताओं ने एक साथ मनाई दीपावली और होली। आसनसोल में यूनियन नेता राजू अहलूवालिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और मिठाइयां बांटी। टीएमसी कार्यकर्ता ने एक दूसरे को अबीर गुराल लगाया और आतिशबाजियां भी की। राजू अहलूवालिया ने कहा कि वह जनता की जीत है, बंगाल की जनता दीदी के साथ है, बंगाल का विकास टीएमसी ही कर सकती है, यह सांप्रदायिक शक्तियों के लिए कोई जगह नहीं है। आसनसोल में युवा नेता भानु बोस, माधव दास, शिलादित्य के नेतृत्व में यह जश्न मनाया गया है। मोशन दुर्गापुर स्टडी सेंटर चैलेंज फॉर 100% सक्सेस गारंटी और 100% मनी रिफंड। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट 9434822278 और 8900100080। दुभानी ग्राम पंचायत दुभानी हाई स्कूल में कराटे परीक्षा का आयोजन। दुभानी कराटे एकेडमी में लगभग 22 बच्चों ने आज परीक्षाएं दी है। कराटे शिक्षक तापस पाल ने कहा, बच्चों को बेल्ट की उपाधि और एक प्रमाण पत्र देने के लिए हम साल में 2 टेस्ट लेते हैं। आसनसोल बारबनी के बच्चों का आज परीक्षण किया गया। किसेर परीक्षा ने आज अपना এটা আজকে অ্যানুয়াল গ্রেডেশন টেস্ট হলো কিয়োকুশিন কারাটে অর্গানাইজেশন ইন্ডিয়ার তরফ থেকে, এবং অর্গানাইজ করেছে আমাদের দুমানি কারাটে একাডেমি। এখান থেকে আজ অ্যানুয়াল গ্রেডেশন টেস্ট প্রত্যেক বছরই হয় পুজোর আগে, তো আজকে আমাদের একটা অ্যানুয়াল গ্রেডেশন টেস্ট হলো। যেহেতু করোনার এখন প্রকোপ চলছে,
সেই করোনার প্রকোপের জন্য আমরা পুরো বাচ্চাদের নিয়ে আসতে পারছি না বা পুরো বাচ্চারা আমার এখানে পরীক্ষা দিতে পারছে না। আমার আসানসোল এবং ধুমানি মিলে কিছু ছোটো ছোটো বাচ্চাদের এই 20 থেকে 22 জনের একটা পরীক্ষা করালাম। আবার আমাদের স্টেপ বাই স্টেপ আমাদের পরীক্ষা হবে এই করোনার বিধি নিয়ম অনুসারে। আপনার বছরে কটা পরীক্ষা নেওয়া? বছরে আমার মোটামুটি দুটো পরীক্ষা হয়, একটা হচ্ছে সামার ক্যাম্প যেটা আমরা দীঘাতে করি অল ইন্ডিয়া লেভেলে, আর একটা হচ্ছে পুজোর আগে যে পরীক্ষাটা অ্যানুয়াল গ্রেডেশন টেস্ট। আমরা বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে ডাকি যেগুলো আমাদের সঙ্গে জড়িত আছে, কিন্তু আজ সবাই আসতে পারছে না কারণ এই করোনার প্রকোপ, নাহলে একসাথে একটা গ্যাদারিং হতো, আমাদের 200 ছেলে মেয়ে পরীক্ষা দিত। আজকে কোন কোন ইনস্ট্রাক্টর কোন কোন জায়গা থেকে আপনার ইনস্ট্রাক্টর এসছে? এখন আমার এসছে বর্তমানে বাঁকুড়া থেকে আমার ইনস্ট্রাক্টর এসছে, এবং ধুমানির আমার জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর আমার গত সিজনে একটা তৈরি হয়ে গেছে, এবং বাঁকুড়া থেকে দুজন ব্ল্যাক বেল্ট আমার কাছে এসছে। এখন বর্তমানে এখন আমার সামনে 3 জন ব্ল্যাক বেল্ট রয়েছে। আজকে যারা পার্টিসিপেট করেছে তাদের কীরকম মোটামুটি ভবিষ্যতে কীরকম তাদের ইয়ে, আপনি কীরকম ইয়ে করেছেন? আমি দেখছি আমাদের পুরনো আমাদের যে নেক্সট আমি যে তৈরি করছি বাচ্চাদেরকে এই কিয়োকুশিন ক্যারাটে, তো ফুল কন্ট্যাক্ট ক্যারাটে, ওয়ার্ল্ড স্ট্রং ক্যারাটে, এই স্ট্রং ক্যারাটে আমরা যে তৈরি করছি বাচ্চাদের বিভিন্ন জায়গা আন্তর্জাতিক এবং আমাদের জাতীয় স্তরে আমাদের খেলা করাবার জন্য যারা আমার পাই, এবং 2021 যে আমাদের অলিম্পিক ছিল অলিম্পিকে আমাদের ক্যারাটে জয়েন করার কথা রয়েছে, এখনও সেটা প্রসেসিংয়ের মধ্যে আছে। এবং আমাদের সামনে কলকাতায় একটা টুর্নামেন্ট রয়েছে যেখানে আমরা বাচ্চাদের নিয়ে যাব, ন্যাশনাল টুর্নামেন্ট, এবং আমাদের মেদিনীপুরে একটা টুর্নামেন্ট রয়েছে, সেই বাচ্চাদের তৈরি করছি আমরা সেখানে নিয়ে যাব। সেখানে মোটামুটি আপনাদের যেটা কলকাতায় টুর্নামেন্ট আছে সেখানে 1 লক্ষ টাকা ক্যাশ প্রাইজ আছে যে চ্যাম্পিয়ন হবে, এবং মেয়েদের 65,000 টাকা ক্যাশ প্রাইজ আছে যে চ্যাম্পিয়ন হবে। কোচিং ফর মেডিকেল নিড এন্ডস এন্ট্রেন্স এক্সাম বাই ডিকে লাল স্যার। For further information, please contact 9832-829475। दो मुहानी पानी के टंकी में अपर्याप्त जल के स्तर के कारण अपर्याप्त रूप से पानी की गई बंदी। दोहानी पानी के टंकी में अपर्याप्त जल स्तर के कारण 30 सितंबर से पानी की आपूर्ति बंद कर दी गई है। बाराबंकी प्रखंड की विभिन्न ग्राम पंचायत में बताया गया है कि भारी बारिश के कारण अमूल्य अजय नदी घाट की जलापूर्ति कुछ समय के लिए बंद करा दी गई है। पानी के लिए अलग अलग जगहों पर अब पानी नहीं मिलता है। लोग भले ही बिस्लेरी के पानी की का इस्तेमाल करें लेकिन इसे बढ़ाना संभव नहीं होगा। अगर कुछ दिन और ऐसे ही चलता रहा तो मानव पर भारी संकट आ जाएगा। यह भी 2 दिन के लिए बंद था। जनाब दानिश अजीज के नेतृत्व में एमएम के पूर्व विधायक उम्मीदवार ऑल इंडिया मजलिस ए इस्तेआदुल मुस्लिमीन आसनसोल उत्तर असेंबली 221 पश्चिम बंगाल आज हमारी पश्चिम बर्धवान जिला AIM टीम ने आसनसोल नगर निगम आसनसोल उत्तर विधानसभा 281 के वार्ड संख्या 24 के रेल पार और वार्ड संख्या 26 के बाढ़ क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया। रेल पार एरिया में हम उन्हें यह भी आश्वासन देते हैं कि हमारी टीम उन्हें किसी भी समय सेवाएं प्रदान करेगी और हम भी उनके साथ हैं। हम केंद्र और राज्य के सरकारी अधिकारियों से अनुरोध करते हैं कि पश्चिम बंगाल में बाढ़ की घटना के संबंध में योजनाएं की तत्काल कार्रवाई करें। ठीक है, हम लोग एक दो रोज में कॉर्पोरेशन जा रहे हैं इंशाल्लाह घेराव करने के लिए। आप लोग से भी यही आरज़ू 25 है कि आप लोग क्या हैं जुड़े साथ में ताकि एटलीस्ट मुआवजा मिल सके। हमें जो लोगों का नुकसान हुआ जिनका दुकान था उनको भी, जिनका घर था उनको भी, ठीक है। सबका सुने दानिश, चलो इधर मतलब मुतासिर हुए हैं भैया, इनको भी आप खबर दीजिएगा थोड़ा। भाई
इनको भी आप थोड़ा खबर दे दीजिएगा एक दो, ठीक है? ये हमारे मेरे रैयत हैं, जामताड़ा से हैं। जामताड़ा से चार लोग फेरी करते हैं, ये आता दिन में पता है इनका भी पूरा लॉस। यहाँ तो सब गरीबी है, पैसे चाहे जितना भी टाइमिंग ने दिया ना, सबसे बड़ा बात जानते हैं, हम सोए हुए थे, घर का जो बर्तन होता नीचे कुछ जमीन में था, वो आपस में लड़ रहा। चक्रवात गुलाब की तबाही से स्थानीय लोगों के बीच पहुंची आसनसोल दक्षिण की एमएलए अग्निमित्रा पॉल, लिया जायजा। चक्रवात गुलाब की तबाही से बेहाल स्थानीय लोगों के बीच पहुंची आसनसोल दक्षिण की एमएलए अग्निमित्र पॉल, उन्होंने जायजा लिया कि किस तरह का नुकसान हुआ है। आम आदमी के बीच जबलपुर स्थित आदिवासी पाड़ा में आदिवासियों महिलाओं के बीच उन्होंने साड़ी बांटी है और उनका कहना है कि गुलाब ने छीन ली है सभी के रोजगार और हमसे जो मदद बन सकता है मैं वही लेकर आई हूँ। सबके बीच इस मौके पर उन्होंने जमकर राज्य सरकार की निंदा की है। इस प्रोग्राम के दौरान उन्होंने उनके साथ उपस्थित थे जीत बैनर्जी, उन्होंने ही एमएलए साहब को लेकर एक परिदर्शन करवाया है। हमारा गरीब आदमी मध्यवित्त बंगाल का जो लोग हैं वो भुगत रहे, सब कुछ लूट गया, पैसा बर्तन किताब, बच्चे की पढ़ाई करता है किताब सारा चाल डाल, हमारे किसान भाइयों का सारा किसान का सारा खेती बाड़ी सब एकदम खत्म। हम गए थे उधर चाशीपाड़ा, कल एकड़ के एकड़ जमीन खत्म हो गया, लग रहा है कि कोई स्टॉर्म आ गया, कोई तूफान आके पूरा फ्लैट कर दिया, ना देखने से कोई समझ में नहीं आएगा। और वो लोग आके क्या कर रहे हैं, राजनीति। हाँ अभी तो राजनीति करने का टाइम नहीं है, अभी खड़े होने का टाइम है। कलकत्ता से नेत्री लोग आ रहे हैं और बड़ा बड़ा बात कर रहे, कमिटमेंट क्यों नहीं कर रहे? आप बोलिए कि हम कंपेंसेशन देंगे, आप बोलिए 24 घंटा में हम इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे, आप बोलिए ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, आप बोलिए हम 10 टन की पानी भेज देंगे, कमिटमेंट का टाइम जीरो, और लेक्चर देने का टाइम, हाँ अभी राजनीति करने का टाइम नहीं है, अभी साथ में रहने का टाइम है। अरे ये भुगतना तो हुआ है आप लोग के लिए, आप लोग का कैलसनेस के वजह से आज नॉर्मल आदमी भुगत रहे, और हम लोग का क्या है, हम लोग टैक्स भरते जा रहे हैं। सुभाष पल्ली का लोग बोले हम लोग इतना ज्यादा टैक्स देते हैं, क्या करते हैं टैक्स लेकर, करोड़ों रुपया आसनसोल कॉर्पोरेशन में आता है, पंचायत में आता है, क्या करते हैं आप लोग, कुछ भी नहीं। आसनसोल बैंक में देर रात तक बरसता रहा सायरन। आसनसोल साउथ थाना क्षेत्र के आश्रम मोड़ के निकट स्थित पार्वती कॉम्प्लेक्स में बैंक में देर रात तक सायरन बजता रहा। इसकी सूचना पाकर पुलिस पहुंची, बैंक अधिकारी को फोन करके पुलिस ने बताया। उसके बाद छानबीन की, पुलिस सूत्रों ने बताया है कि पार्वती कॉम्प्लेक्स स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र का सायरन अचानक बजने लगा, इससे अफरा तफरी मच गई। खबर पाकर वहां लोग पहुंचे और बैंक अधिकारी को बुलाया, बैंक अधिकारी ने आकर ताला खोला, उसके बाद देखा गया कि कोई अनहोनी नहीं हुई है, किसी तकनीकी गड़बड़ी के कारण सायरन बज रहा था। प्रातः 10 बजे बर्नपुर रेड वॉलियंटर्स द्वारा हॉकर्स मुद्रा बिस्किट एवं केक बच्चों को वितरित किए गए तथा मलिन बस्तियों में ब्लीचिंग पाउडर फैलाया गया। आसनसोल चैंबर ऑफ कॉमर्स ने बाढ़ से प्रभावित व्यापारियों की एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। आसनसोल गुलाब चक्रवात के दौरान बाढ़ से प्रभावित व्यापारियों की रिपोर्ट तैयार करने के लिए आज आसनसोल चैंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव शंभुनाथ झा ने खुद मोर्चा संभालते हुए बाजार में 121 दुकानों का नामांकन किया है जो गुलाब साइक्लोन की वजह से प्रभावित हुए थे। कानून और पीडब्ल्यूडी मंत्री मलय घटक और आपदा प्रबंधन जावेद खान ने आसनसोल चैंबर ऑफ कॉमर्स को इसका दायित्व दिया था। इस दायित्व को निभाते हुए आसनसोल चैंबर ऑफ कॉमर्स ने बखूबी से आज अपने कार्य को किया। कल पुनः आसनसोल चैंबर ऑफ कॉमर्स के ऑफिस में नामांकन किया जाएगा, उसके बाद एक टीम पूरे बाजार का सर्वे करेगी, उसके बाद फाइनल रिपोर्ट बनाकर सरकार के पास पेश किया जाएगा।
गुलाब चक्रवात की वजह से मची तबाही और संकट की इस घड़ी में प्रभावितों के लिए राहत सामग्री का वितरण। आसनसोल में गुलाब चक्रवात तूफान ने जो तबाही मचाई है, इसमें हजारों हजार लोग घर से बेघर हो गए और खाद्य सामग्री से लेकर सारे सामान तबाह व बर्बाद हो गए। संकट की इस घड़ी में आसनसोल दुर्गापुर की पुलिस ने आसनसोल दक्षिण थाना की ओर से सामाजिक दायित्व के तहत काली पहाड़ी के प्रभावितों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। यहां एसीपी मावेंद्र दास, आसनसोल दक्षिण थाना प्रभारी अभिजीत चैटर्जी, काली पहाड़ी बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का दौरा, काली पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को खाद्य सामग्री तथा वस्त्र वितरण किया। इलाके के बच्चों को अपनी गोद में उठाकर उन्हें प्यार किया। बच्चों को चॉकलेट व अन्य सामग्रियां भी दी। पुलिस ने इस मानवीय पहल की सभी प्रशंसा कर रहे हैं। इस दौरान युवा टीएमसी नेता प्रमोद सिंह, पिंटू गुप्ता आदि मौजूद थे। रक्तदान आंदोलन समन्वय समिति का 2 दिवसीय सम्मेलन हुआ संपन्न। रक्तदान आंदोलन समन्वय समिति का 2रा दिवसीय सम्मेलन 3 अक्टूबर को आसनसोल के एसपी गोराई रोड के पार्वती हॉल परिसर में संपन्न हुआ। कुछ और क्षेत्रों में अधिक ब्लड कैंप और सेपरेशन यूनिट पर जोर देने के वादे के साथ एक कमेटी का गठन किया गया। अगले साल कल्ला में सम्मेलन होगा और कल्ला इकाई के प्रतिनिधि को झंडा सौंपा गया। डॉक्टर एस चटोराजी ने रक्त आदान और अन्य संबंधित विषय पर विस्तृत रिपोर्ट दी है। उपस्थित गणमान्य व्यक्ति में से आशिम सरकार, प्रवीर धर, जिन्हें रक्त आंदोलन का अग्रणी माना जाता है, देव कृष्ण भट्टाचार्य, बिलाल खान, मोहम्मद सोहेल, अनवारुल अब्दुल मुनाफ इस्लाई और कई अन्य लोग उपस्थित थे। যে সারা পশ্চিম বাংলা আজকে 40 বছর ধরে রক্তদান আন্দোলন করছে, কিন্তু সেই রক্তদান আন্দোলন যখন একসাথে আমরা মিলিত হই, তখন একসাথে আমরা বর্ধমান জেলা এবং সেই সমন্বয় কমিটি আমাদের উদ্দেশ্য প্রত্যেকটা পশ্চিম বর্ধমান জেলায় প্রত্যেকটি এলাকায় একটা করে জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হোক এবং এই জেলা সম্মেলন এবছর আমরা দিয়েছি ইসমাইল গ্রেটার সমাজ, এই ইসমাইল গ্রেটার সমাজ সাথীর উদ্যোগে এবং আমাদের বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট ভলান্টারি ব্লাড ডোনার অর্গানাইজেশন সমন্বয় কমিটির সহযোগিতায় আজকের এই জেলা সম্মেলন 22তম এখানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই সম্মেলনে আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তর এবং বিভিন্ন জেলা প্রতিনিধিরা এখানে উপস্থিত থেকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন, বিভিন্ন সাবজেক্টের উপর রক্ত নিয়ে আলোচনা করেছেন। আমরা যেমন মনে করি যে রক্তের কোনো জাত নেই, রক্তের কোনো ধর্ম নেই, রক্তের কোনো রাজনৈতিক রং নেই, আমরা প্রত্যেকে একটা প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়িয়ে হিন্দু মুসলিম শিখ খ্রিস্টান সমগ্র জাতি মিলে এই রক্তদান আন্দোলনকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাবো প্রত্যেকের সহযোগিতায়, যাতে কোনো সরকারি ব্লাড ব্যাংকে রোগীর রক্তের অভাব না হয় সেই নিশ্চিত করতে আজকে আমার এদের এই জেলা সম্মেলন এখানে। আমার নাম হচ্ছে প্রবীর ধর, মানে জেলা সম্মেলন বিভিন্ন জেলায় আজকে তারা 22 বছর ধরে এই সম্মেলন করে আসছে। এই সম্মেলন যারা স্বেচ্ছায় সমাজকর্মীদের তাদের মিলিত সম্মেলন, তারা আগাম ভবিষ্যৎ অতীতে যে কাজটা করেছে তারও মূল্যায়ন, আগামী দিনে যে কাজটা তারা করবে তারও দিশা, এই দিশা তৈরি করে আগামী দিনে তারা বর্তমান এই সম্মেলন সফল এবং
যেটা সারা পশ্চিমবঙ্গে সর্বপ্রথম সংগঠন যারা পশ্চিমবঙ্গের দিকে রক্তদান আন্দোলনের বার্তা ছড়িয়ে দিতে পেরেছে, শুভ चार माह की बकाया राशि को लेकर हंगामा, विरोध प्रदर्शन किया गया तोड़फोड़। ईसीएल भनौरा कॉलोनी के अंतर्गत चल रही आरआरई कंपनी के 160 मजदूरों ने कंपनी के अधिकारी को घेरा, कार्यालय में ताला जड़ा। प्रदर्शनकारी मजदूर अविलंब पेमेंट के कारण कर रहे थे यह मांग। पश्चिम बंगाल आसनसोल नॉर्थ थाना इलाके के अंतर्गत आने वाले ईसीएल के भनौरा कॉलोनी में चल रहे आरआरई कंपनी के ओपन कॉस्ट माइंस में कार्यरत 160 मजदूरों ने अपने चार माह के बकाया राशि की मांग को लेकर कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जमकर हंगामा किया। साथ ही आरआरई कंपनी के अधिकारी के कार्यालय का घेराव करके कार्यालय में तोड़फोड़ करते हुए कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन कर रहा है। उनका कहना है कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दुर्गा पूजा आ गया है, ऐसे में वे अपने और अपने परिजनों का भरण पोषण करेंगे कि दुर्गा पूजा मनाएं। कंपनी द्वारा पिछले चार महीने के वेतन नहीं मिलने के कारण राशन की दुकानों में उनकी उधारी बढ़ गई है। राशन दुकानदार उन्हें राशन देने से कतरा रहे हैं, जिस कारण मजदूर वह उनका परिवार भूखमरी के कगार पर आ गया है। यही कारण है कि सैकड़ों मजदूर अपने बकाया राशि के अविलंब भुगतान की मांग कर रहे हैं। वहीं घटना की खबर सुन के मौके पर सीआईएसएफ की एक टुकड़ी घटना स्थल पर पहुंची और प्रदर्शनकारी मजदूरों को समझाने का कार्य करने लगी। चार मास हो गया, कोनो मासे 15 दिन ड्यूटी करो, कोनो मासे 20 दिन, सेटाई मिले नहीं हमारा बर्षार कारण। এখন ইসিলের কাছে ক্ষতিপূরণ পাওয়া মালিক, এখন একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ গেল, যেটা বর্ষা হলে এত বড়ো সেটা ডুবে গেছে, তার জন্য আমাদেরকে বলছে নো ওয়ার্ক নেপ লাগিয়ে দিয়েছি। এখন আমরা বর্ষায় কী করব, চার মাস হয়ে গেল পেমেন্ট না কিছু, প্লাস বলছে বেতন বোনাস বেতন দেবো শুধু 20 দিনের, চার মাস পর ওটা থেকে আমাদের সংসার চলবে, বাড়িতে বউ ছেলে মেয়ে শরীর খারাপ কী করে চলবে, আমাদের বোনাস বলছে দেবো না, তার জন্য আমরা পিএম স্যারকে ঘেরাও করে রেখেছি যে যেতে কোনো বাড়ি। দেখুন আপনারা কি দাবি আপনাদের? এখন দাবি আমাদের এক মাসের পেমেন্ট আর বোনাস দুটো একসাথে যেন হয়, না হলে আপনারা কি করবেন? কি করবেন? ছাড়বো না, আর আমরা পূজোর পদ্ধতি চালু করতে দিই, আমরা তাহলে খুন খারাপই হবে। বহুত করেছেন স্যার, বহুত করেছেন। আপনার নাম? বিকাশ বাউরি। বিকাশ বাউরি, নিপেন বাউরি। পুরুলিয়া আরপিএফ নে যাত্রী কা খোয়া হুয়া ব্যাগ বাপস লটায়া। आरपीएफ सूत्रों के अनुसार 2 अक्टूबर को रात के 8 बजे टाटा आरपीएफ एसआईपीएफ पुरुलिया के पांडे को ट्रेन संख्या 03287 स्पेशल एक्सप्रेस में कुमार उपेंद्र चौहान नामक के क्या तरीका एक लगेज छूट जाने का समाचार प्राप्त हुआ। इसके आधार पर पुरुलिया प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर रात को 9:23 पर पहुंचे एएसआई एके पांडे तथा एलसीटी जेके पासवान ने ट्रेन से संबंधित बोगी में उक्त लगेज को प्राप्त किया। उसमें 3 पासबुक, 2 एटीएम कार्ड और कुछ व्यवस्थित कपड़े थे। उस लगेज को सुरक्षित रखा गया, इसकी सूचना उसके मालिक को दी गई। शनिवार को उचित जांच और सत्यापन के बाद लगेज को झारखंड के महादेवतरी हाथी पहाड़ कलनी वार्ड नंबर 33 निवासी कुमार उपेंद्र चौहान को लौटा दिया गया। इसकी कुल कीमत करीब 3,000 रुपये है। कुमार उपेंद्र चौहान ने बताया कि 2 अक्टूबर को ट्रेन जब टाटा पहुंची तो वे गाड़ी से उतरकर भोजन लेने के लिए बाहर निकले। इसी दौरान गाड़ी छूट जाने की वजह से उन्होंने तब इसकी जानकारी टाटा आरपीएफ को दी। दूसरी तरफ आगरा आरपीएफ ने 2 अक्टूबर को 9:35 पर एक महिला यात्री को दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाया। सूत्रों के अनुसार आगरा प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर गोमो खड़गपुर यात्री ट्रेन द्वारा चलना शुरू की,
तभी एक महिला यात्री ने खतरनाक स्थिति में ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी और वह बुरी तरह से चिल्ला रही थी। इसी बीच ड्यूटी पर तैनात LSI श्रुति सुमन और LCTS बंदों ने तुरंत कदम उठाते हुए उस महिला को चलती ट्रेन में चढ़ने से बचाया और उसकी जान बचा ली। यह घटना प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर स्थित CCTV कैमरे नंबर 12 में कैप्चर हो चुका है। और अब बारी है आज के SMS ऑफ द मोमेंट की। 6 बेस्ट डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड। फर्स्ट सन, सेकंड रेस्ट, थर्ड एक्सरसाइज, फोर्थ डाइट, फिफ्थ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सिक्स्थ फ्रेंड्स। स्टिक टू देम एट ऑल स्टेज इन योर लाइफ एंड एंजॉय अ हेल्दी लाइफ। दुनिया के 6 सबसे अच्छे डॉक्टर। पहला सूर्य, दूसरा आराम, तीसरा योग, चौथा संतुलित आहार, पांचवा आत्मसम्मान और छठा दोस्त। अपने जीवन के हर स्तर पर इन सभी इन डॉक्टरों से संपर्क बनाए रखें और स्वस्थ जीवन का आनंद लें। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की अधिसूचना के लिए घंटी वाले आइकन